भातसू की ग्राम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने पिडाकली डिस्ट्रिक्टली से होने वाले प्रदूषण को लेकर डिस्ट्रिक्टली संचालकों और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि डिस्ट्रिक्टली संचालकों द्वारा मैली को खुले में स्टोर किया गया है, जिसके कारण भातसू सहित अन्य आसपास के गाँव का वातावरण दूषित हो रहा है। बता दें कि इंद्री के गाँव भातसू में स्थित पिडाकली शुगर मिल और पिडाकली डिस्ट्रिक्टली से होने वाले प्रदूषण के कारण भातसू की ग्राम सेवा समिति ने कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। आरोप है कि शुगर मिल और डिस्ट्रिक्टली से निकलने वाले प्रदूषित पानी के कारण आसपास के क्षेत्र का भूजल दूषित हो गया है। गांव में मक्खियों और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। कोर्ट की फटकार के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए कुछ समय के लिए शुगर मिल और डिस्ट्रिक्टली को सील कर दिया था, जिसके बाद में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा जांच की गई। समिति का आरोप है कि प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ही क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। इसी को लेकर ग्राम सेवा समिति के सदस्यों ने डिस्ट्रिक्टली संचालक और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मामले में ग्राम सेवा समिति प्रधान का कहना है कि डिस्ट्रिक्टली संचालकों द्वारा गंदे पानी को गऊ चरान की भूमि में गिराया जा रहा है और मैली को भी खुले में स्टोर किया गया, जिसके कारण आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है। मील के गंदगी के बारे में ही है जी, ये आप पीछे देखेंगे सारा ओपन में इनकी मैली पड़ी हुई है। इन्होंने एनजीटी की जो टीम आई थी, कोर्ट केस अभी चला हुआ है इनका, उनको भी गुमराह किया, बोला कि हमारा मैली का सारा एरिया कवर्ड है। रिपोर्ट में इन्होंने भी कवर्ड लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा। और ये आप देख रहे हैं, ये सारा ये टीम साइड इन्होंने लगा दिया है, अभी पब्लिक ना देख पाए, लेकिन इसके पीछे सारा एरिया लगभग 25 से 30 एकड़ का ज़्यादा ही होगा एरिया, वो सारा मैली के लिए अब भी स्टोर पड़ी है इनकी मैली। और गंदा पानी ये देखिए आप, गंदा पानी बिल्कुल भरा हुआ है। पेड़ लगाए थे ये सब, इन्होंने नकली काम किया दिखावे के लिए कि इनकी फैक्ट्री चल जाए, और ये सब पेड़ अब सूखने शुरू हो गए हैं इनके। फैक्ट्री भी इन्होंने 12 तारीख को बंद की है, जबकि इन्होंने लिखा है कि हम जुलाई से लेकर सितम्बर तक फैक्ट्री को बिल्कुल बंद रखेंगे, लेकिन अभी भी इनकी बाहर से सिपरेट लगा के इन्होंने फैक्ट्री अपनी ये अपना फ्लेवर वगैरह जो भी मतलब अंदर मटेरियल बन रहा है, 12 को बॉयलर बंद किया है, पता नहीं कितने दिन रखेंगे। और वैसे तो इन्होंने 3 मिनट में बोला है कमेटी को कि रेनी सीजन का कोई भी इंतजाम नहीं है फैक्ट्री के पास, जो ये गंदा पानी निकालते हैं, और ये 3 महीने फैक्ट्री को डिस्कनेक्टिंग बंद रखते हैं बिल्कुल ही। लेकिन अभी भी इन्होंने 12 तारीख तक ये फैक्ट्री चली हुई थी, आगे पता नहीं कब तक बंद रखेंगे। वैसे तो ये पहले बिल्कुल भी बंद नहीं रखते थे, 12 से 15 दिन की क्लोजिंग होती थी, कागज़ों में ये 3 महीने इसको बंद दिखाते थे, जो कि बिल्कुल झूठ है। और अभी भी जैसे फैक्ट्री चलेगी हम इसका फिर भी संज्ञान लेंगे। आप गंदगी आप देख लो, आपके सामने ही है जी, पानी भी ये निकालने की तैयारी में ये पंप सेट लगा दिया इन्होंने, और ये खुदाई की हुई है नाले के साथ साथ, इसको ये बस निकालने की तैयारी में है जी। रात को ये ज़्यादातर पानी रात को निकालते हैं, इधर गौचरान वाले जंगल के एरिया में ये पानी बरसात का फायदा उठा के ये सारा गंदा पानी ये बाहर निकालेंगे। लगून इनके भरे पड़े हैं, और जो ये नीचे कच्चे गड्ढे हैं ये भी इनके बिल्कुल ही भरे पड़े हैं, सब इनके पेड़ पौधे सूख चुके हैं। मिट्टी इनकी जो इन्होंने टेम्परेरी गिराई थी 1 या 1.5 फुट गिराई थी मली के ऊपर, वो सब इनकी बह चुकी है बरसात में। अब ये इनका सारा काम ओपन में पड़ा है जी बिल्कुल ही, सारे यार्ड इनके कच्चे हैं, कोई इंतजाम नहीं इन्होंने किया, लेकिन सिर्फ ये एक थूक से बंद बोल लो कि इनको लगा के फैक्ट्री चलवाना चाहता है अपनी। तो पोल्यूशन विभाग भी इनकी मिलीभगत है जी, पोल्यूशन विभाग की भी वो कार्रवाई नहीं करते इनके पास, 25 साल से ये ऐसा कर रहा है। अभी एनजीटी ने इनको प्रेशराइज किया, तब जाके उसी विभाग ने इसको कैसे सील कर दिया, वही प्रदूषण विभाग बिल्कुल भी कार्रवाई करके इन पे सहमत ही नहीं है। 25 साल के नुकसान, अगर उनके पास कोई कंप्लेंट भी करे तो वो तो उल्टा हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि रहने दो इसको मत, पता नहीं इनको क्या इनकी मिलीभगत है इनके साथ। ये प्रशासन भी और ये प्रदूषण विभाग तो बिल्कुल ही इसके मिल मालिक के साथ खड़ा है। मांग तो हमारी यही है कि अपना ये बिल्कुल कार्रवाई अपनी पूरी करे, गंदा पानी कहीं ना निकाले, गंदे पानी से फसलें भी हमारी ये सारी ख़राब करने के, इसमें बरसात का फ़ायदा उठा के वहाँ इसने आगे पानी तोड़ा हुआ है जंगल में। 25 साल के दौरान जो जनता को नुकसान होया, प्रदूषण का नुकसान होया, जो कुछ है इसके बारे में इसको पेनलाइज किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो सरकार के आदेश थे उसके हिसाब से ऐसा लगा भी 1/4 कार्रवाई भी नहीं हुई, तो ये चाहे भी 25 साल के हुए नुकसान को के एवज में इसको पेनलाइज किया जाना चाहिए जैसी दूसरी संस्थाओं को किया है।
आंखों में मच्छर मक्खी बदबू कैंसर चमरोग चर्म रोग भारी मात्रा में फैले हुए हैं।